दो नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है, क्या आप मुझे बिना कैलकुलेटर यूज किए बता सकते हो? दो फ्रैक्शंस लेते हैं 1/3 एंड 4/9। इन्हें कंपेयर करने का एक मेथड है कि हम दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर दे, एंड हम इजीली कह सकते हैं कि 3/9 4/9 से लेस है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1/3 इज लेस देन 4/9। अब इन दो फ्रैक्शंस को देखिए, इन दो फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर्स को सेम करना जरा डिफिकल्ट है, सो यहाँ हम एक अलग टेक्निक यूज कर सकते हैं जिसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टेक्निक। अब अगर हमें a/b को c/d से कंपेयर करना है तो हम ad और bc को कंपेयर करते हैं। अगर ये दोनों इक्वल है तो फ्रैक्शंस इक्वल है, अगर ad bc से कम है तो पहला फ्रैक्शन छोटा होगा दूसरे वाले से, और अगर ad bc से ग्रेटर है तो पहला फ्रैक्शन ग्रेटर होगा दूसरे वाले से। हम इसे इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं? अब इन दो फ्रैक्शंस में हम देखेंगे कि 6/19 और 7/16 का कंपैरिजन, इनके आंसर्स है 114 एंड 112। तो हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि 6/7 16/19 से ग्रेटर होता है। अब ये फ्रैक्शंस जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उन्हें आप कैसे कंपेयर कर सकते हो बिना कैलकुलेटर यूज किए, इसका जवाब मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा।